ओम का नियम कहता है कि जब किसी कंडक्टर से करंट फ्लो करता है तो वह करंट डायरेक्ट वोल्टेज के प्रपोजन में होगा, लेकिन कंडक्टर का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होना चाहिए। एक छोटा सा रिकमेंडेशन है आपको, इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक्स क्लियर है तो कंटिन्यू कीजिए, अदरवाइज कहीं कन्फ्यूजन आए तो इस वीडियो को जरूर से देखना, इस वीडियो का बेस यही है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस होता है, यानी वोल्टेज करंट के बराबर तो है लेकिन जो रेजिस्टेंस है वह कांस्टेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 10 वोल्ट है, 5 एम्पीयर का करंट है और रेजिस्टेंस 2 ओम मान लेते हैं, तो यह 2 ओम फिक्स होना चाहिए और इसके बाद हम जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ता जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। आप इस इमेज से पता लगा सकते हो कि एक्चुअल में रेजिस्टेंस करता क्या है, और जब रेजिस्टेंस करंट को आगे नहीं बढ़ने देगा तो करंट को गुस्सा आएगा, और गुस्से में जिस तरीके से इंसान गर्म होता है वैसे ही करंट वायर के टेम्परेचर को बढ़ा देगा। लेकिन रेजिस्टेंस ढीठ किस्म का इंसान है, कितना ही टेम्परेचर बढ़ा दे लेकिन यह पीछे नहीं हटने वाला। बस हमें इससे बचने के अलग ही रास्ते निकालने पड़ते हैं। तो हम एक ऐसी मेटल यूज में लेते हैं जिससे रेजिस्टेंस कम हो और कंडक्टिविटी ज्यादा हो, जैसे कॉपर वायर। लेकिन ट्रांसमिशन लाइन बहुत ज्यादा लॉन्ग होती है, वहाँ पर कॉपर वायर बहुत ज्यादा कॉस्टली भी पड़ता है, और इलेक्ट्रिसिटी ना रही तो लोग वायर ही काट के ले जाएंगे। आपको पता है पावर फिक्स होती है, उसको बदल नहीं सकते, लेकिन वोल्टेज और करंट पावर के ही सुपुत्र है, इन्हीं से पावर बनती है। थोड़ा आसान एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे यह जनरेटर 100 वाट पावर जनरेट कर रहा है तो 50 वोल्ट हो जाएंगे और 2 एम्पियर करंट हो जाएगा, और टोटल हमें 100 वाट मिल जाएगी। अब हम चाहें तो करंट को 4 एम्पियर करके वोल्टेज को 25 कर सकते हैं, पर पावर फिक्स रहती है क्योंकि जनरेटर एक मैकेनिकल डिवाइस है। यदि इसकी कैपेसिटी हमें 100 वाट से ज्यादा बढ़ानी है तो हमें इसमें मैकेनिकल चेंजेस करने होंगे। अब धीरे धीरे थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं, आप भी अपना फोकस बढ़ाइएगा। यह जो 100 वाट है ना, यह एक्टिव पावर है, ओरिजिनल पावर कोई और ही है। तो इस पावर के भी पिताजी है और उनका नाम है अपेरेंट पावर, या फिर एक्चुअल पावर, या फिर रियल पावर भी बोल सकते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत आसानी से समझेंगे। यदि आप किसी ट्रांसफॉर्मर या फिर बड़े जनरेटर के पास में जाओगे तो उसके ऊपर कभी भी पावर नहीं लिखी रहती है, उसके ऊपर रियल पावर लिखी रहती है। बड़े जनरेटर के केस में जैसे 1500 मेगा वोल्ट एम्पियर है, वोल्ट एम्पियर इस रियल पावर की यूनिट होती है। अब इस रियल पावर के दो सुपुत्र है, एक का नाम है एक्टिव पावर और दूसरे का नाम है रिएक्टिव पावर। पहले एक्टिव पावर के बारे में थोड़ा जानते हैं। यदि हम पुराने जमाने में चले और आपने इस टाइप का बल्ब देखा हो, फिलामेंट वाला, इस बल्ब के यदि आप पास जाओगे तो जब ये ऑन होता है तो गर्म हो जाता है, या फिर आपने ऐसी मर्क्यूरी देखी होगी जो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है ऑन करने पर। अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको इमेज दिखाई थी जिसमें मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस कुछ ऐसे कर्मकांड करता है जिसकी वजह से वायर का टेम्परेचर बढ़ा देता है। तो यार इस बल्ब में एक्चुअल में रेजिस्टेंस ही होता है जो टेम्परेचर बढ़ाकर हीट जनरेट कर रहा है, और उस हीट को लाइट एनर्जी में बदल रहा है। तो यह जो बल्ब है ना, इसके अलावा भी हीटर, टोस्टर, ओवन एंड कॉफी मेकर, आयरन, यह सभी हीटिंग से ही अपना काम करते हैं। तो इन सभी को बोलते हैं रेजिस्टिव लोड, और यह सिर्फ और सिर्फ एक्टिव पावर ही कंज्यूम करते हैं। कहने का मतलब एक्टिव पावर एकदम क्रीम होती है, उसी को खाते हैं, और इस एक्टिव पावर के सुपुत्र वोल्टेज और करंट होते हैं जिससे यह काम करते हैं। अब हमारे घरों में इस टाइप के लोड बहुत कम अवेलेबल होते हैं क्योंकि इन लोड से हमारे सभी काम नहीं हो सकते। तो कुछ अदर लोड भी हमारे पास में होते हैं, जैसे इंडक्शन मोटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, और यह जो लोड है ना, इन सभी में मोटर लगी रहती है और मोटर में कॉइल होती है। इस कॉइल को हम इंडक्टर भी बोलते हैं, और यह जो कॉइल होती है ना, इसमें थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस भी होता है जिसकी वजह से जब मोटर चलती है तो गर्म भी होती है। इसमें जो रेजिस्टेंस होता है ना, उसको बोलते हैं रिएक्टेंस। अब आप बोलोगे यह क्या भला है, इस बला को तो हम बाद में देख लेंगे, बस इतना ध्यान रखो कि जो इंडक्टर वाले लोड होते हैं ना, उनको इंडक्टिव लोड बोलते हैं। चलो इसको थोड़ा बाद में समझते हैं, मैं आपको असल में बताता हूँ कि रिएक्टिव पावर क्या होती है। जब आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल ओपन करते ही उसको गिलास में डाल देते हो तो आप देखोगे कि उसमें कोल्ड ड्रिंक तो नीचे बैठी हुई है और ऊपर की तरफ बहुत सारे झाग बने हुए हैं। क्या इन झाग की हमें जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर ये बने कहाँ से? यह बने इस कोल्ड ड्रिंक की वजह से। तो जो कोल्ड ड्रिंक है वह एक्टिव पावर है, और यह जो झाग है यह रिएक्टिव पावर है। तो जो मोटर होती है ना, वह एक्चुअल में एक्टिव पावर को भी खाती है, लेकिन थोड़ा उसको रिएक्टिव पावर का भी सेवन चाहिए।
इसलिए जनरेटर रियल पावर जनरेट करता है कि भैया जिसको जो खाना है खा लो, पर मेरा सर मत खाओ। लेकिन यार इंजीनियर एक ऐसी प्रजाति है जो चैन से नहीं बैठेगा। उसने बोला कि मेरे को तो इस रिएक्टिव पावर की जरूरत ही नहीं है। तो इंडक्टर के सामने उसने लाके खड़ा कर दिया कैपेसिटर को, और कैपेसिटर भाई साहब रिएक्टिव पावर का दुश्मन होता है। वह सिर्फ कोल्ड ड्रिंक वाले झाग को ही पीता है और साथ में चुपके से थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक भी पी जाता है, पर इतना तो हम एडजस्ट कर ही लेंगे। अब थोड़ा सा एक कदम आगे चलते हैं। जो रियल पावर है ना, वह एकदम बैलेंस पावर है, और रियल पावर अपने सुपुत्र एक्टिव पावर से ही ज्यादा प्यार करती है। वह नहीं चाहती कि यह जो रिएक्टिव पावर है वह आए, लेकिन क्या करे, नेचर का नियम है, ओपोजिशन होना जरूरी है, ओपोजिशन के बिना कुछ काम होता नहीं है सही से। तो फिर रियल पावर ने क्या किया, एक पावर फैक्टर नाम का एजेंट बनाया स्पेशली रिएक्टिव पावर को सुधारने के लिए, क्योंकि प्रॉब्लम रिएक्टिव पावर खड़ी करती है। यह कुछ पावर को वेस्ट कर देती है और अपेरेंट पावर चाहती है कि वह पावर वेस्ट ना करे। अब जब मोटर चलती है तो वह एक्टिव पावर तो कंज्यूम करेगी ही करेगी, वह तो फिक्स है, लेकिन रिएक्टिव पावर को भी कंज्यूम करेगी, और रिएक्टिव पावर पावर फैक्टर की टांग खींचती है और अपने पलड़े को भारी कर देती है, जिससे पावर फैक्टर डाउन होने लगता है। तो हम बोलते हैं कि पावर फैक्टर लेग कर रहा है, यानी लेगिंग पावर फैक्टर है, और यह वोल्टेज को कम कर देता है, और वोल्टेज कम होगा तो कोई भी इक्विपमेंट सही से काम नहीं कर पाएगा। तो पावर फैक्टर वापस बैलेंस करने के लिए कैपेसिटर को लेकर आता है, और यह जो रिएक्टिव पावर टांग खींच रही थी इसको बैलेंस करता है। अब मैं आपको रियल गेम बताता हूँ। बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज होती है, या हमारे घर की ही बात कर ले तो 90% लोड इंडक्टिव ही होते हैं। तो हमारे घर वाले लोड से तो जनरेटर को कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन बड़ी इंडस्ट्री में इंडक्टिव लोड पावर फैक्टर को बहुत ज्यादा दबा देता है, यानी लैग कर देता है। तो जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है उसके बाहर एक कैपेसिटर बैंक इंस्टॉल करते हैं। यदि आप ध्यान से देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं ये खंभे पर लगी हुई दिख जाएगी। बेसिकली उसका काम यही है कि जो इंडस्ट्री पावर फैक्टर को ज्यादा लैग कर रही है उसको बैलेंस करे, ताकि जो जनरेटर है उस पर ज्यादा लोड ना पड़े और वोल्टेज को भी बैलेंस किया जा सके। या फिर ऐसा भी किया जा सकता है, जो GSS होता है वहीं पर कैपेसिटर बैंक को इंस्टॉल कर दिया जाता है। अब यह कैपेसिटर बैंक कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। रेगुलरली पावर फैक्टर चेक किया जाता है और जरूरत न पड़ने पर इसको हटा दिया जाता है लोड से, क्योंकि कैपेसिटर पावर फैक्टर को पहले तो लेगिंग से यूनिटी पर लेकर आता है और फिर यूनिटी से लीडिंग साइड में लेकर चला जाता है, और लीडिंग पावर फैक्टर ओवर वोल्टेज जनरेट करता है, जिससे जनरेटर हो या मोटर हो उसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है और वह जल जाते हैं। अब मैं आपको मेरे कॉलेज टाइम का एक जबरदस्त किस्सा बताता हूँ। हमारा जो लैंडलॉर्ड था उसको ऐसा लगने लगा कि हमने मीटर के साथ में टेम्परिंग कर दी है और वह सही से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन नहीं दिखा रहा है। तो उनका लड़का जूनियर इंजीनियर था, हमको बता रहा था कि मैं पावर फैक्टर निकाल लूंगा और पता करूंगा कि आपने कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की है। अब उनको तो हमने नहीं बोला, लेकिन मन ही मन हम सोच रहे थे कि बेटा हम दिन भर पावर फैक्टर ही निकालते हैं। तो यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यदि हम रिएक्टिव पावर को जीरो कर दे और पावर फैक्टर को बैलेंस कर दे तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन काफी कम हो जाएगा, क्योंकि हमारे घर के सामने जो मीटर लगा रहता है वह रियल पावर मेजर करता है, और यदि हमारे पास में यह जो मोटर है इसमें हम रिएक्टिव पावर को जीरो कर दे तो अब सिर्फ एक्टिव पावर बचेगी, जिससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन भी कम हो जाएगा। अच्छा, जो कैपेसिटर वाले लोड होते हैं उनको कैपेसिटिव लोड बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में कैपेसिटिव लोड ना के बराबर होते हैं, बस ये सिर्फ रिएक्टिव पावर को बैलेंस करने के लिए आते हैं। जो पावर ट्रांसमिशन लाइन होती है जो बहुत दूरी तक जाती है, उनको यदि आप ध्यान से देखोगे तो यह एक कैपेसिटर का ही काम करती है। वायर जो होता है वह पॉजिटिव का काम करेगा और जो ग्राउंड है वह नेगेटिव का। अब इस लाइन का वोल्टेज एक्सट्रीमली हाई वोल्टेज है, तो जो बीच का एरिया है वह धीरे धीरे चार्ज होने लगेगा और एक कैपेसिटर की तरह काम करने लग जाएगा, जिस वजह से रिसीविंग साइड है वहां पे वोल्टेज सेंडिंग साइड से बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से वोल्टेज रेगुलेशन की प्रॉब्लम होती है। तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटिव इंटरफेरेंस को बैलेंस करने के लिए ट्रांसमिशन लाइन में शंट रिएक्टर लगाए जाते हैं। यह देखने में सेम टू सेम ट्रांसफॉर्मर जैसे ही होते हैं, लेकिन यह कैपेसिटिव इफेक्ट को बैलेंस करते हैं। तो कहने का मतलब, यदि इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है तो कैपेसिटिव उसको बैलेंस करेगा, और कैपेसिटिव ज्यादा है तो इंडक्टिव उसको बैलेंस करेगा। और जो प्योर रेजिस्टिव लोड होते हैं वह एकदम यूनिटी पावर फैक्टर पे काम करते हैं, वह ना ही तो पावर फैक्टर को लैग करते हैं ना ही लीड करते हैं। अब इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं। इस सीरीज में यदि आपके पास में कोई टॉपिक है तो जरूर से सजेस्ट कीजिए। 3D में इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।